दिव्या लोहाना एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। मेरे को पहले ऐसे लगा कि मेरा पेट फुल रहे, तो मेरे मम्मी पापा ने बताया कि फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके देखो क्या बात है करके। तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि ये मेरे को केस कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपको कोई मेडिसिन वगैरह या कुछ और मैं बता नहीं सकता हूँ, पहले आप सोनोग्राफी निकालो। तो मैंने सोनोग्राफी निकाला तो ये केस थोड़ा सीरियस लगा उनको, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको टेंशन हो गया कि आखिर एक पेशेंट को एक अच्छा डॉक्टर मिलना भी बहुत ज़रूरी है, एक और अच्छा हॉस्पिटल मिलना ज़रूरी है, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए और आगे जाके रिकवर हो, वापस वो प्रॉब्लम ना आए, वो सब ज़रूरी है। तो हम टेंशन लेके बैठे थे इस बात पे कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो हमारी एक बुआ है, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि क्यूरे हॉस्पिटल है भाई, मेरी ट्रीटमेंट वहाँ पे हुई थी, आप वहाँ पे बात करके देखो एक बार, आपको समझ में आए तो वहाँ पे आप बढ़िया हमारा ये सब कुछ करवा सकते हो। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट विज़िट किया डॉक्टर विद्या शेट्टी मैम से, कंसल्ट करके देखा। तो उनसे जैसे ही कंसल्ट किया हमने, तो हमारा फर्स्ट कंसल्ट में ही उन्होंने आधा टेंशन दूर कर दिया। उन्होंने इतना अच्छे से हमको बात बताया, अच्छे से ट्रीट किया कि ये इनका ऐसे एज छोटा है, इनको ऐसे ट्रीटमेंट होना चाहिए और ऐसे करेंगे हम, और उन्होंने ऐसे किया भी हमारे साथ बहुत अच्छे से। और कब कैसे क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला, कितना जल्दी हो गया। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के जो भी आते जाते हैं मैनेजर्स वगैरह, 15 मिनट्स में, हाफ एन आवर के अभी अच्छी है तबीयत, नर्सेस, डॉक्टर्स जो भी है। और स्पेशली थैंक्स फॉर विद्या शेट्टी मैम एंड ऑल्सो डॉक्टर निशिका भाटिया मैम जी, उनको बहुत थैंकफुल है। और जो यहाँ पे स्टाफ है उनको भी बहुत अच्छे से थैंक यू। मुझे पता ही नहीं चला कब कहाँ कैसे हो गया, और बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, अपनों के बीच में बैठी हूँ, ऐसे लगा। बहुत अच्छी है क्यूरे हॉस्पिटल आदत। तो इनका जो बातें इनसे की, उनसे ही टेंशन हमारा उतर गया, हमने 2 डेज में रिकवर कर लिया अपने आप को। इतना उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि ऐसी बात है, ऐसे नहीं है, उठो, थोड़ा हलचल करो, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ी देर में आ रहे थे, बात किया तो अच्छा लगा। एंड थैंक यू फॉर स्पेशली अगेन एवरीवन एंड विद्या शेट्टी मैम जी एंड ऐसे निशिका मैम जी भी। और ऐसे कभी हो नहीं किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत, बट अगर किसी को होगी तो मैं स्पेशली ऑफर इसी हॉस्पिटल के लिए करूँगी, क्यूरे हॉस्पिटल। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हुई मेरी एंड थैंक यू फॉर। और मेरे ऊपर तो कृष्ण की ब्लेसिंग्स है ही, ऑफकोर्स ये सबके ऊपर भी है और रहेगी, इनका हाथ बहुत अच्छा है पेशेंट के ऊपर बहुत। थैंक यू।